का अपने YouTube चैनल लाइफ स्टाइल ब्यूटी में स्वागत है। आप सभी को राम राम, जय श्री श्याम। और मैंने वीडियो सुबह से ही स्टार्ट कर दी थी, पर मैं आप लोगों का वेलकम नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने अब शाम के टाइम फ़ोन उठाया है। और मैं बना रही थी रिजाई, आज मेरी रिजाई का काम कंप्लीट हो जाएगा और आज बनने के बाद मैं पूरी ज़रूर दिखाऊंगी। आप बोलोगे कल बनती हुई दिखाई, लेकिन बनने के बाद में नहीं दिखाई। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... आज मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविच। ये मैंने सॉस लगा लिया ब्रेड को, और ये प्याज टमाटर और खीरा काट लिया है, और एक साइड ये पेस्ट तैयार हो रहा है। आलू उबाले थे मैंने, ये अब आलू की चटनी बना ली है, क्योंकि वही अच्छे लगते हैं। ये लंच में टिफ़िन पैक करूँगी बच्चों का। और एक साइड मैंने इसकी लगा दी है डोरी, ये मेकर गर्म हो जाएगा। और ये लगा ली है मैंने चटनी ब्रेड को, और ये अब रख लूँगी खीरा टमाटर और प्याज। और ये देखिए, ये हमारा मेकर भी गर्म हो गया है, इसमें ये डबल लाइट चल चुकी है। गर्म होने के बाद में पता लग जाए इसका कि ये गर्म हो गया है। और ये देखिए, ये देखिए हो गया। अब मैं ले आती हूँ बाहर से घी, घी ले के आना भूल गई थी मैं। और ये देखिए, ये चीकू हाथ लगा रहा था, और इसने इसको मेकर का हाथ लगा दिया था, इसका हाथ भी जल गया था यहाँ पे। और अब मैं लगा दूँगी घी, ये देखिए, क्योंकि फिर ये चिपकेगा नहीं इसमें। और अब रख दूँगी इसमें, ये देखिए, और एक डेढ़ मिनट में ही बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी गर्म हो चुका है। ऊपर से भी घी लगा दूँगी,
देखिए हो गए हैं तैयार। ये हिल रहा था स्टैंड पे से, देखिए ये देखिए मैंने इसमें से निकाल लिए हैं, ये हो गए हैं गरम। ये हो गए गरम, ये मैं हाथ से कर रही थी, हाथ के लिए लग रहे थे गरम, ये भी मैंने चाकू से काट लिए बिल्कुल करारे करारे, काफ़ी अच्छे बन गए थे। बच्चों का टिफिन कर दूँगी पैक, और ये पीछे बच्चे बोल रहे थे यहाँ पे, ये देखिए काफ़ी याद बने थे चीकू वाले टिफिन में, तो ले लिया था। देखिए जी आज मैंने बनाए हैं सैंडविच और सॉस के साथ। ये देखिए ये दक्ष का टिफिन है, ये खुशाली का टिफिन है, हो गया है रेडी। आप कमेंट करके जरूर बताना विच कैसे बने। ये मैंने चीकू के पापा का भी ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया, क्योंकि वे इस टाइम सप्लाई से आते हैं, सवेरे उनका कम सप्लाई का होता है, और आके फिर भूख तो लगती है, सवेरे 4 बजे उठते हैं और आने के बाद में उनके ब्रेकफास्ट करके ड्यूटी जाएंगे। देव जी मेरे सारे काम निमट चुके हैं, रसोई भी क्लीन है और ये बन रही है चाय, सारे काम हो गए हैं। मम्मी सो रही है और कपड़े मैंने धो दिए हैं, बाहर हो रही है बारिश इसलिए मैंने यहाँ पे सुखा दिए। ये देखो जी चीकू का रसगुल्ले का काम, ये काम कम बकवास ज्यादा करता है। ये देखो बस पेंसिल छीलना मैं, ये देखो इसकी शरारत। देखिए जी ये बनने के बाद में ऐसे तैयार होती है रजाई, ये देखिए ये इसमें वो वाली रजाई है जिसमें हम कॉटन भी बोलते हैं, रुई भी बोलते हैं। ये नीचे का पार्ट है इसका और ये ऊपर का पार्ट, ये रजाइयाँ बनाई थी मैंने, ऐसे ऐसे सिलाई करके। ये छोटा है मुंह, इसमें अंदर रुई भर जाएगी इतना सारा। देखिए ये देखिए मैंने की अलमारी की सफाई, क्योंकि सारे कपड़े खिंडे हुए थे। देखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। आज मैं बना रही हूँ मीठे चिंगले, मैंने बोल लिए चिंगली बाहर नहीं निकलना भाई जी। कुनाले
गुड़ तो था नहीं, मैंने बनाया है चीनी का घोल। लो जी, मैंने कर दिए चिल्ले उतारने स्टार्ट। तवा गरम हो गया था, अब इस पर लगाएंगे रिफाइन ताकि ये इस पर चिपके ना। और ये ले लिया मैंने कपड़ा हाथ पूछने के लिए, और कटोरे में डाल लूँगी मैं पानी, क्योंकि पानी के हाथ से ही अच्छे से फैलते हैं। ये मम्मी आ गई थी, यहाँ ये पूछ रही कि थी कि तो आज क्या कर रही है। मका ये चीकू और ये बेसन के चिल्ले उतरवा रहे थे बच्चे, लेकिन बेसन था लेकिन वो कम था। फिर मैंने सोचा मका बारिश का मौसम भी है तो मिठाई साथ के साथ हाथ पूछ लूँगी मैं ताकि पानी के छिट्टे ना लगे। देखिए ये देखिए, बिल्कुल आराम आराम से पलटा मारूंगी क्योंकि ये डर भी लगता है कभी छिट्टे ना लग जाए। देखिए हमारा चिल्ला हो गया है तैयार। अब इसको एक दो बार और पलट के ऊँचे यूँ सेक लूँगी। ये देखिए बिल्कुल लीडर रहता, कभी टूट ना जाए, चिल्ला टूटा नहीं था। और आप सब मेरी वीडियो देखते हो और लाइक नहीं करते, प्लीज़ आप सब वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो। और संडे वाली वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, प्लीज़ मेरी सारी वीडियो को दे और मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। और ये देखिए बातें करते करते हमारा चिल्ला हो गया तैयार। और चिल्ला बनने के बाद में सबसे पहले मैं लगाऊंगी कानों को भोग। ये देखिए ये मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि मेरा चिल्ला कैसा बना है। और एक और डाल के फिर मैं लगाऊंगी कानों को भोग। ये देखिए दूसरा भी डाल दिया मैंने। और ये देखिए और वीडियो का करते हैं एंड।